तो विषम संख्या को हम देखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आपको अंतर आएगा, एक के बाद विषम संख्या कौन सा आता है? तीन। तीन। दूसरा विषम संख्या क्या आता है? पांच। तीन और पांच को जोड़ेंगे तो दो का घन हो जाए। विषम संख्या को चेंज करते चलेंगे, चलिए तीन का घन निकालेंगे तो पांच तक हो गए हमारा। अगला विषम संख्या कौन सा होगा? सात। सात। उसके बाद विषम संख्या कौन सा होगा? नौ। उसके बाद विषम संख्या कौन सा होगा? ग्यारह। अब इसको जोड़ लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 27। सत्ताईस। हम जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक आएंगे, जोड़ कर दे सकते हो, ठीक है। अब चार का घन ज्ञात करेंगे, अगला विषम संख्या कौन सा है? तेरह। तेरह। उसके बाद विषम संख्या पंद्रह। उसके बाद विषम संख्या सत्रह। उसके बाद विषम संख्या उन्नीस। ध्यान ये रखेंगे जितने अंक यहाँ ले रहे हैं, एक ले रहे हैं तो एक ही अंक लेंगे, दो ले रहे हैं तो दो लेंगे, तीन ले रहे हैं तो तीन लेंगे, चार का ज्ञात कर रहे हैं तो चार अंक लेंगे। इसका जोड़ेंगे चौसठ। चौसठ।